नाजरीन, आप देखिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफकीरा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरुख प्रतापी साहब। तो फरुख, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अपना सुनाइए। मैं ठीक ठाक। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज से। यारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच का केस फौजी अदालत मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध की सुई सदर्न गैस कंपनी के दफ्तर पर धावा बोलने की धमकी। आपने देखी है आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन पर डिस्कशन होगी आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर है 0519212643, दूसरा नंबर है 0519212644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे दोनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। कल भी बात कर रहे थे और प्रोग्राम का एक सेगमेंट रह गया था, आज प्रोग्राम का आगाज उसी सेगमेंट से करते हैं। उजैर बलोच के हवाले से बात करेंगे, जहां लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच को का जो केस है वो फौजी अदालत मुंतकिल कर दिया गया है। आईएसटीआर के मुताबिक फौजी एक्ट के थ्रू, यानी कि आर्मी एक्ट के थ्रू जो है वो उजैर बलोच को तहवीन में ले लिया गया है। अब उजैर बलोच पे जो इस वक्त इल्जाम है वो यही है कि उजैर बलोच के तालुकात रहे हैं और इसके साथ साथ खुफिया मालूम का तबादला करते रहे वो गैर मुल्की एजेंसी के साथ। अब उजैर बलोच साहब ने भी एतराज किया है अपने बयान में, उन्होंने कहा है कि ईरानी खुफिया एजेंसी के साथ मेरे तालुकात भी रहे हैं और मालूम भी शेयर करते रहे हैं। आपको बताते चले, कराची ऑपरेशन जब हुआ था 2013 में, उजैर बलोच कराची से जो है वो फरार हो गया था और उसके बाद जब पकड़ा गया वो ईरान में पकड़ा गया और वहां कहा गया कि वो अपने दोस्त एक मालिक बलोच था जिसके पास वो रह रहा था और उसी मालिक बलोच ने उसका जो तारुफ था वो हाजी नासिर से करवाया और हाजी नासिर वो बंदा था जिसका ताल्लुक रहा है ईरानी खुफिया एजेंसी के साथ और उसी की वजह से उजैर बलोच का ताल्लुक बना ईरानी खुफिया एजेंसी के साथ और मालूम का तबादला होता रहा है और भी कई ऐसी चीजें जिनका इंकशाफ हो रहा है। उजैर बलोच के हवाले से बात करें तो उजैर बलोच का पीपल्स पार्टी से भी काफी ताल्लुक रहा है, पीपल्स पार्टी के, और आप भी आजकल देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे काफी पिक्चर पहले भी शेयर हुई थी, अब भी हमें काफी नजर आती है जिसमें उजैर बलोच का ताल्लुक पीपल्स पार्टी के अहम लीड रान के साथ है। उसके अलावा और भी कई सेलिब्रिटीज है जिनके साथ उजैर बलोच की जो तस्वीर है वो इस वक्त हमें नजर आ रही है। इस हवाले से बात करते पहले तो फरुख, किस तरह से उजैर बलोच को, क्योंकि कहा यह जा रहा था और बल्कि नजर भी आया कि वो जमानत मिल गई थी, फिर अचानक से हम देखते हैं कि फौजी अदालत में केस चला गया है, तहवील में ले लिया गया है, उनको किस तरह से देखते हैं सारी चीज को? डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि उसके ऊपर जो है ना दो किस्म के मुकदमात जो है वो कायम हुए हैं। एक तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज का है। अच्छा, उसके ऊपर तो हम डिबेट सुनते आ रहे हैं, खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जमाने में भी सुनते थे लेकिन उसके बाद भी हम सुनते रहे। लेकिन उसके दूसरा जो चार्ज है जो एस्पियनाज का है कि उसने जासूसी की है ममालिक के लिए, वो चार्जेस हमने रिसेंटली सुनना शुरू किए। अभी उसको जो है जिस दिन फौज ने अपने तहवील में लिया है उसी दिन, यानी कि परसों के दिन ही जो है ये बताया गया था कि उसको मुख्तलिफ जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से अब मिलिट्री कोर्ट में जो है ना वो उसका ट्रायल होगा टेररिज्म के चार्जेस के ऊपर। लेकिन अब एस्पियनाज वाला जो आया है तो उससे एक सवाल जो बड़ा खराब था वो ये है कि पिछले साल अप्रैल के अंदर इन साहब ने इसी किस्म की स्टेटमेंट जाके मजिस्ट्रेट के सामने दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ईरान भी गया और ईरान की ये जो हाजी नासिर वाला काप ने और बाकी सारे का सारा। उसके बाद जो है एक और बात हुई, वो है सईद भरम की, जो कि एमकेएम के एक रहनुमा है या एक वर्कर है और उन्होंने भी ये जो है ना कंसीड किया उस साहब ने कि जी हम गए थे ईरान और ईरान जाके वहां की इंटेलिजेंस की एजेंसीज के साथ मिलते रहे और वहां पे बातें होती रहेगी। सवाल ये है कि ये पिछले साल अगर कन्फेशन हो गया था तो उस वक्त क्यों नहीं किया गया? ठीक है, दूसरी बात यह है कि अब आज जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरानी उनके साथ तो था लेकिन मुलाकात का हो रही थी चाबहार में और फिर उसके बाद कहा गया कुलभूषण यादव को भी जो है ना इस बंदे ने कहा कि मैं उससे भी इंटरेक्ट कर चुका हूं।
जब ये तमाम चीज आप वो करते हैं तो इसके दो मतलब निकल आए। एक मतलब ये निकल आया कि अब जो है ये जो फॉरेन स्पाइस वाला मामला है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा के छोड़ा जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर जो है कोई इस तरह के कन्फेशन थे, इस तरह के कोई करेक्टर्स थे, तो वो आपको ज्यादा एक्सपोज भी होते आएंगे और माफ भी। आपसे अभी आपने जो सवाल किए दो सवाल उठते हैं, वहां से एक और सवाल भी उठता है, क्योंकि अभी आप बात करें कुलभूषण के साथ भी अगर मामलात रहे हैं या बातचीत रही है, मुलाकात भी रही है या किसी न किसी तरह से कोई ताल्लुकात रहे, तो ये अल्टीमेटली चीज पहुंची है रॉ की तरफ। लेकिन हम बार बार जब रॉ की बात करते हैं तो क्या वजह है कि हमेशा नाम चाबहार का ही आता है? कुलभूषण यादव आ रहा होता तो वहीं से आ रहा होता है, ईरान से आ रहा होता है, जाता है तो वो कहता है कि मेरे अभी और कई ऐसे साथी जो चाबहार पे काम कर रहे, चाबहार मौजूद हैं, उज़ैर बलोच हैं ईरान से। मैंने कल भी वही सवाल किया आपसे, आज मेरा वही सवाल है, ईरान हमारा भाई मुल्क है, लेकिन जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं जो जाके अल्टीमेटली रॉ पे रुकती हैं, लेकिन आला कार कहीं ना कहीं चाबहार बन रहा है, ईरान बन रहा है, तो हमारे और ईरान के ताल्लुकात किस तरह से ठीक हो सकते हैं? देखिए, ईरान के बारे में भी आप एक बात जान लें कि ईरान के अंदर भी हुकूमतें तब्दील होती है। आपने ये जो उज़ैर बलोच की बात की कि ये ईरान चला गया था, कौन से साल में गया था आपको पता होगा? 2013। हाँ, और उसके बाद मुलाकातों का जो सिलसिला 2014 तक है, उसके बाद जो है ट्रेल गोज कोल्ड। अच्छा, अब इन तमाम चीजों के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जब अफगानिस्तान में इन्वेजन हुई थी अमेरिका की, उस वक्त तालिबान की हुकूमत थी, आपको पता होगा, ठीक है, पाकिस्तान के पे इल्जाम लगता था कि जी पाकिस्तान सपोर्ट करता है, और उन तालिबान ने ईरानी जो माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन वाले हजारा कम्युनिटी थी उसके ऊपर काफी जुल्म भी कर रखे थे, तो ईरान के अंदर ये जो है ना सेंसिबिलिटी भी थी। फिर उसके बाद 2003 में एक और काम हुआ, इराक की इन्वेजन हुई, उस वक्त भी जो है ना एक वॉइड बन गया जहां पे ये आर्गुमेंट शुरू हो गई कि ईरान के साथ इंटरेक्ट किया जाए और ईरान के साथ सपोर्ट हासिल की जाए। लेकिन 2005 में एक हार्डलाइनर आ जाता है जिसका नाम है अहमदीनेजाद, उसके जमाने में आके ईरान का ये जो फॉरवर्ड प्ले है वो बहुत बढ़ गया था। 2005 से 2013 तक वो मसरूफ हुकूमत में रहे, 2013 में आए हैं रूहानी साहब, और रूहानी साहब देखिए पुरानी गवर्नमेंट जाती है और हार्डलाइनर जाती है तो थोड़ा टाइम लगता है आपको रिकवर करते हुए। 2014 के बाद मुझे कुछ बड़ा जो है ना वाकया नजर नहीं आता, लेकिन लोग पकड़े जो है वो इसी एरा में गए हैं। जी नहीं, लोग पकड़े नहीं गए। 2013 तक जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस वक्त तक एक और बहुत बड़ा डैमेज हो चुका था। यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जो साहब मौजूद थे हुक्मरान के तौर पे, उन्होंने ये किया कि गवादर को काउंटर करने के लिए चाबहार के जरिए इंडिया के साथ मिलकर सड़कें बनाई जाए। अच्छा, ईरान और जो है ना अफगानिस्तान में इंडिया ने सड़कें बनाई, और चाबहार वो जगह थी जिसे कहा जाता था कि ये अंडरकट करेगी गवादर को, तो इसलिए जो इंडियन एस्पियनाज के लोग हैं वो बहुत ज्यादा आके बैठे चाबहार के अंदर, और चाबहार क्योंकि बहुत करीब है गवादर के भी और बलूचिस्तान के, तो इस तरह के तमाम एलिमेंट्स। देखो ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? हामिद बात कर रहा हूँ जी, सैली से। जी हामिद साहब बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि ये जो गैर बलोच पकड़ा गया है जी, तो इतना कहना चाहूँगा कि हुकूमत तो ऐसे जो बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं उनके बारे में अदालती निजाम में कोई ऐसे इस्लाहात होनी चाहिए, तो ऐसे लोग जो है ना आसानी से छूट ना सके, कभी जमानत की वजह से जो करवा के छूट जाते हैं और सब लंबा लंबा था और वो जो है ना वो फाइल में गुम हो जाते हैं। जी बड़ी मेहरबानी, ठीक है, बिल्कुल सही आपकी आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं मास्टर नियामन जिला त्रिपोदा से कर रहा हूँ जी। मास्टर बोलिए जी, ये जो हमारे ये जो गुलभूषण जैसे यादव और दूसरे जो ये उज़ैर बलोच जैसे क्रिमिनल है, ये किसी किस्म की रैत के मुस्तैक नहीं है, इनको फांसी देनी चाहिए। और इसके लिए तो फांसी का हो गया, और ऐसे मुजरम जो है ना जी। हेलो जी, जी सुन रही हूँ मैं आपको। अच्छा जी बोलिए। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, फरूख भाई। अस्सलाम वालेकुम, यहीं आवाज आ रही है। साहब बोल रहे हैं जी, यहीं साहब बोलिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखें इस किस्म के उज़ैर बलोच जैसे करेक्टर जो मतलब ये यानी जो इतने आबो ताब से अपने इलाके में बदमाशी करते रहे, सर सॉरी टू यूज दिस वर्ड, और वो सारी हुकूमत हमारी देखती रही और कुछ नहीं किया। अब जब वो मिलिट्री ने इसको टेक ओवर कर लिया है, तो मेरा कहना ये है कि फरूख भाई सिर्फ वो नहीं है, वो तो एक किरदार था, उसके पीछे जितने लोग हैं उसके सपोर्टर, उनके जो सहूलत का है उनको भी कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि ऐसे उज़ैर बलोच दोबारा नहीं पैदा हों।
शुक्रिया कॉल कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके बारे में बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं समझान अली खान बात कर रहा हूँ जी, कराची से। बात कीजिए। ये मुल्क दुश्मन अनासरों को सुबह फांसी से चढ़ा दो। अच्छा जी, ये जो मुल्क के दुश्मन के अनासर है ना, इनको खत्म कर दो। ये जो घोगला करके रख दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। जरूर बात कीजिए, टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये गैर बहुत जो है ना, इसको क्यों फांसी नहीं दिया जा रहा है? फांसी देना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, यही कह रहे हैं फांसी। तीन कॉलर कह रहे हैं कि फांसी दे रहे। ठीक है जनाब, पहले फांसी दे देते, उसके बाद गवाही जितनी होगी, जितनी डिटेल्स लेनी होगी, वो बाद में उसकी लाश से ले लेंगे, है ना? अच्छा, बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन का कोई सिस्टम होता है, उसके अंदर कोई बंदा अगर पकड़ा गया है तो सबसे पहले तो उससे सारी फैक्ट्स लिए जाते हैं। कब आपका मीडिया पीटता रहा कि कुलभूषण यादव गायब हो गए हैं? उसकी खामोशी से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसके अंदर बहुत सारा डेटा रियासत के पास आ गया, उसको मजीद प्रेस किया जा रहा है और मजीद चीजें भी निकलेंगी। जब रियासत ने समझा कि अब इसके बाद उससे और इन्फॉर्मेशन नहीं निकल सकती, उसके बाद उस पर ट्रायल चला और उसके बाद उसको फांसी की सजा दे दी गई। ये तमाम सिस्टम, ये निजाम इसलिए कायम है कि पाकिस्तान के ऊपर कभी ये इल्जाम ना लग सके कि नाजायज तरीके से किसी को फांसी दे दी गई है। और क्योंकि फांसी का ये है कि ये वन वे टिकट है, अगर एक बंदा दुनिया को छोड़ जाता है तो फिर उसको सॉरी सॉरी करके आप जिंदा नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीजों के अंदर अगर प्रोसीजर को साथ लेके चलेंगे, और ये जो आपके जज्बात है इसके जरिए से हुकूमत और रियासत की पुश्तीबानी करेंगे, सपोर्ट करेंगे उसको, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे एक एक करके तमाम एलिमेंट्स भी खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर पेट्रियटिज्म, मुहिब्बुल वतनी, नेशनलिज्म भी बढ़ जाएगा, जो कि हमें जरूरत है। देखो ठीक है, गैर बलोच की बात करते हैं, किस पार्टी का ताल्लुक रहा है, किस तरह से शख्सियात आती रही है, कौन उनकी बीबी को भाभी की तरह, किसको उन्होंने बहन बनाया, उस हवाले से बात करते हैं। ईरान के वाले से एक सवाल है, तो चाहे हाइलाइन की हुकूमत रही हो, चाहे अब जिस तरह से हसन रूहानी साहब हैं या आगे भी रही हो, एक ताल्लुकात होते हैं पाकिस्तान और ईरान के, हमेशा भी ताल्लुकात अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन बरादराना ताल्लुक जरूर है। क्या वजह था, क्या वजह रही है कि ईरान इस्तेमाल करता रहा है ऐसे लोगों से, ईरान की खुफिया एजेंसी इस्तेमाल करती है ऐसे लोगों को मालूम के लिए? किस किस्म की मालूम उनको चाहिए थे पाकिस्तान के बारे में? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में ये जो मालूम वाली बात है, ये मामला है बहुत बड़ा, इसके ऊपर जरा बात करनी है तो कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग जरूरी हो जाती है। देखिए मामला ये है कि अभी जो रूहानी साहब है ना, उनका मसला ये है कि उनको एक पूरी की पूरी जो है एक अच्छी खासी एग्रेसिव फॉरन पॉलिसी मिली और डिफेंस पॉलिसी मिली, जिसको वो जो है ना वाइंड डाउन नहीं कर पा रहे, और फिर अगले महीने उनके इलेक्शन भी है। जब अगले महीने इलेक्शन होता है तो अहमदीनेजाद दोबारा उनके मुकाबले में आ रहे हैं, अगर वो जीत गए तो इसका मतलब ये है ये तमाम तमाशा दोबारा से शुरू हो जाए। हर रियासत के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हॉक्स होते हैं और कुछ होते हैं डब्स। जो हॉक्स है ईरान के अंदर, उन्होंने ईरान का ज्यादा नुकसान कराया है डब्स की नस्बत। उसकी वजह यह है कि देखिए, आपको याद होगा अहमदीनेजाद साहब की जब हुकूमत थी, वो अमरीका को आंखें दिखाते थे, हमारे लोग जरदारी साहब हुकूमत में थे यहाँ पे, तो उनको बुरा कहने के लिए हमारे लोग ये करते थे, देखो लीडर तो ऐसा होता है। अहमदीनेजाद ने जितना दहाइयां पीछे अपने रियासत को धकेला वो आपके सामने। अच्छा, अब ये जो फॉरेन पॉलिसी आ गई, अगर रियासत होगा ना तो कोई मजहब होता है ना कोई बहन भाई होता है। ठीक ठीक है, हम बरादर मुल्क जरूर कहते हैं क्योंकि थोड़ा सा अपना कंपैशन, अपना देशन जो है ना, इस्लामिक खून है, हमारे नेबर भी है, हमारे बहुत करीब भी है। हिस्टोरिकली हमारे जो मुगलों के जमाने में तुर्की की जबान के बाद कौन सी जबान फारसी होती रहेगी? ठीक है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हमारी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, तो हम उनकी रिस्पेक्ट। क्या पाकिस्तान के सवाल उठा सकते हैं, कुलभूषण जाधव जाता है तो ईरान से आता है, उज़ैर बलोच मिलता है तो वो ये कहता है कि जी मैंने ईरानी खुफिया एजेंसी को मालूम फराहम की है, तो ईरान से सवाल तो आपने एक कॉलर के पास जाना है, लेकिन एक सवाल आपसे करूंगा, ईरान ने जो कुछ किया या कोई और मुल्क कर रहा था वो तो एक साइड पर रखा, एनबीएस ने भी कुछ किया हुआ, सवाल ये है कि हम कौन लोग हैं जो दो दो टके के ऊपर बिक जाते हैं हर किसी के हवाले। चले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं नवीद बात कर रहा हूँ, इस्लाम बात जी। नवीद साहब बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आर्मी को जितने भी ये एलिमेंट है हमारे मुल्क में, तो सबके खिलाफ टाइमली एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो जितने भी लोग हो रहे हमारे कंट्री में, जो उसका टाइमली खात्मा हो सके, जो इतना नुकसान होता है
उससे पहले इस चीज को टेक ओवर कर और इसको कॉल कर वो करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए नवीद। एक और कॉलर भी हैं। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करो, कहाँ से? मैं जवाहर बोल रहा हूँ, झाड़ी से। जी जवाहर साहब बोलिए। डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ में नहीं सारा काम करना होता है, हमारी पुलिस क्या करती है इतने इतने लोग साल लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिर सवाल वही आ जाता है, पुलिस और आर्मी का अब जो है कंपैरिजन करने की कोशिश की जाती है, बाकी चीजें। देखिए बुरा ना मानिएगा, फौज भी जो है ना वो रियासत के हिस्सा है और जो वो है पुलिस है वो के वो डेवल्यूशन के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन वो भी जो है रियासत पाकिस्तान का है। अगर कहीं पे कोई कमजोरी रह जाती है तो इसीलिए जो है राष्ट्र इकदाम किया जाता है, और इसीलिए मिलिट्री कोर्ट का भी काम हुआ, और इसी वजह से जो है आप ये सारे के सारे ट्रायल देख रहे हैं। लेकिन जो सवाल कुछ चीजें इसके अंदर समझने की है वो ये है कि पिछले अगर आप सिंध पुलिस के बारे में सवाल करते हैं तो सिंध पुलिस के जरा खाका देख लें, हमने लगातार इस पर डिबेट किया और मिनहसुल कौम की है कि सिंध की पुलिस के अंदर क्या मसाइल रहे। पहले एमकेएम रही परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में, उस जमाने में एमकेएम के बहुत सारे लोग उसमें भर्ती हुए। अच्छा, उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो दोनों का एमकेएम और इनका आपस में दुश्मना मनाना होता रहता था, लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी अपने बंदे घुसा दिए। अब ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी का ही वर्कर कहलाता था ना ये उजैर बलोच भी, तो आप समझते हैं कि उसके साथ कोई बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा अगर उसके बारे में ये इल्जाम है। जुल्फकार मिर्जा साहब एक और हमारे जो है ना नेशनल नैरेटिव और आपके टेलीविजन के हिसाब से तो उनको हीरो बनाया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा वो उजैर बलोच को वही हीरो कहते रहे। अब मुझे ये सारा बताइए कि नैरेटिव पाकिस्तान में बयानिए कौन बना रहा था, और अगर बना रहा था तो उसको ये नहीं शर्म आती थी कि जी गैर मुल्की जो है दहशत गर्द और गैर मुल्की जासूस जो है आपके मुल्क में बैठे हुए और ये बयानिया वो बना दे, किसी को भी हीरो बना दो, किसी को भी विलन बना दो। ये सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है पूछना और इस पे सोचना। बिल्कुल ठीक है, और साथ साथ ये भी सोचना चाहिए फरूख और बात भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जिस तरह भी आपने कहा कोई बरादर मुल्क नहीं होता, कोई आपके मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, कि आप चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन अब लगता ऐसा नहीं है फरूख, मेरा शायद सवाल बहुत सख्त है, लेकिन कहीं ऐसा लग तो नहीं रहा कि ईरानी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ? क्योंकि अगर हम बात करें उजैर बलोच मुझे लगता है मेरी स्टेटमेंट तक यहाँ से फील ना है कि शायद हमको ईरान के खिलाफ बात कर रहे हैं, किसी प्रोपेगेंडा के ऊपर है। क्या ये सब चीजें कुलभूषण यादव का वहां से आना, उजैर बलोच का एतराज करना और बाकी बहुत सारी चीजें, फिर ये हो रहा है कि ईरान ईरानी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, और क्या ईरानी एजेंसीज भी इस्तेमाल हो रही है, ईरानी एजेंसीज भी हमारे खिलाफ है? देखिए जब 2003 के अंदर ये फैसला कर लिया गया कि गवादर जब बनेगा या उसको डेवलप किया जाएगा तो उसका और ईरान का जो है जीरो सम गेम है, यानी कि ईरान जो है अगर उसको फायदा होता तो हमें नुकसान होगा, हमें फायदा होता तो उनको नुकसान होगा। जब ये बात सोची गई तो पहली साइड पे भी यही आर्गुमेंट चल रही थी, और उस वक्त रियासत ने कैलकुलेशन करके उनकी रियासत के अंदर हार्ड लाइनर्स ने यह फैसला ले लिया कि पाकिस्तान अब जो है वो थ्रेट पोज करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, फिर बबांगे दोहल कहता हूं कि जी पाकिस्तान ने जब से पाकिस्तान बना है, खासतौर पर जब से ये रेवोल्यूशन आया है, उस वक्त से सिर्फ हमारी एक गलती हुई और वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का होना है, क्योंकि हमारे पास उस तरह का कंट्रोल नहीं था तालिबान के ऊपर। जब वो गए, जब जाके उन्होंने मुख्तलिफ ऐसे एरियाज में जहां पे ईरानी नेशनलिटी के लोग जो है वहां पे मौजूद थे, या उदय जिन के लोग थे, या एथनिसिटी के लोग थे, तो उन्होंने जाके उनको भी ख्वार कर दिया, और इस वजह से हमारे बारे में एक नैरेटिव बन गया। लेकिन ईरान के अंदर इंडिया जो है ना, अब मैं आपको एक बात बता दूं, लेकिन मुझे दो तकलीफें होती हैं आज के दिन बैठ के। एक तो ये हो रहा है कुलभूषण यादव से लेके उजैर बलोच तक, जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी ये तमाम नैरेटिव हमारे पास आते थे, रियासती जराये से आते थे, कहा जाता था कि जी इंडियन एजेंसी एक्टिव है, अच्छा पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी भी जो है उसके लोग भी शामिल हो जाते हैं, और फिर वो हुसैन अख्तारी साहब वाली बात की जी ऐसे लोगों को खुली छुट्टी दे दी गई कि वो पाकिस्तान आ सके। आज के दिन एक एक करके वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स जिंदा हो रहे हैं और हमें जो है ना दिखा रहे हैं कि ये बातें सच थी। ठीक है, इंडियन जासूस पकड़ा गया, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पकड़ी गई, ईरान का रूट पकड़ा गया, उसके बाद जो है ना हुसैन अख्तारी साहब दिखा करके जो है ना वो शुरू हो गया। तो अब इन तमाम चीजों के बाद अब सवाल ये बनता है ना
कि अगर बाकी लोग जो है वो आपके आपको बरादर बरादर भी कहते थे और अगर वो इंटेलिजेंस के सारे के सारा काम कर रहे थे तो हम क्या सो रहे थे? बिल्कुल हमारा सिर्फ काम अफगानिस्तान में है, हमारे यहाँ काम नहीं है। हमारी आंखें खुली है तो मजीद कितनी आंखें खुलेंगी, अभी भी हम सोए रहेंगे इस वाले से बात करेंगे। नाजरीन देखता मुझे कहा जाए तो जिस वापस आएंगे तो बात करेंगे उज़ैर बलोच की पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और अब पीपल्स पार्टी ने किस तरह से उनको डिसोन किया या ओन किया, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा वजीर आजम यूथ ट्रेनिंग स्कीम फेज वन में 50,000 यंग ग्रेजुएट्स को 2500 से ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप दी गई है, जबकि फेज टू के तहत पूरे मुल्क से मजीद 50,000 पढ़े लिखे नौजवानों को इंटर्नशिप दी जाएगी। अहल उम्मीदवार 15 अप्रैल 2017 तक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। दरख्वास्त देने के लिए विजिट कीजिए www.pmyts.nip.gov.pk। हुनरमंद नौजवान, खुशहाल पाकिस्तान। ये लीजिए चाय। जी जनाब। शेफ साहब आज तो पार्टी कुछ और है। गुलाब जामुन की ना चाय? आखिर बनाई किसने है? वाजी खाने के माहिर महबूब भाई, और चाय के माहिर आओ। शेफ महबूब की वाइफ जो है। अरे महबूब भाई, गुलाब जामुन के साथ भाभी की चाय की तारीफ भी खा गए। वाकई कुछ नया है चाय में। क्या रात है? करम का नया लाजवाब मजा। आज तो मुझे भी लाजवाब करती है, रंग खिला खिला, खुशबू ऐसी कि दिल को भाए और मजा जुबान पर रह जाए। अब करम से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है उज़ैर बलोच के हवाले से, जो कि कभी पीपल्स पार्टी का एक अहम रुकन भी रहा है और पीपल्स पार्टी के कई अहम लीडरान जो है उज़ैर बलोच से रिलेटेड जितने भी कोई फंक्शन होते थे वहां मौजूद हो रहे थे। आप भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे काफी सारी पिक्चर्स जो है इस वक्त नजर आ रही होती है। इसके अलावा और भी कई ऐसी शख्सियात हैं जिनकी ताल्लुकात रहे हैं उज़ैर बलोच के साथ, उज़ैर बलोच के घर भी आते जाते रहे हैं, लेकिन उस वक्त शायद उज़ैर बलोच का ये इमेज नहीं था, या फिर कहना चाहिए कि इस तरह का तासुर ये दिया जाता है कि उज़ैर बलोच जो है शायद गरीबों की आवाज और इस तरह की चीजें। पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर आसिम को जिनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम भी लगे और बड़े कुछ इल्जाम लगे, करप्शन के इल्जाम लगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ओन करती रही। अगर बात की जाए उज़ैर बलोच के हवाले से तो पीपल्स पार्टी ने उस तरह का जो है वो सपोर्ट नहीं किया या ओन नहीं किया, लेकिन जुल्फिकार मिर्जा बहुत सपोर्ट करते रहे। जुल्फिकार मिर्जा बार बार बोलते रहे कि उज़ैर बलोच मेरे भाइयों जैसा है, मेरे भाइयों से बढ़कर है। क्या पता कि पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को इस तरह से ओन नहीं किया बल्कि डिसओन किया? शायद इसकी वजह 2012 का वो इलेक्शन था जहां पे लियारी में पीपल्स पार्टी के रुकन मुजफ्फर टप्पी को जो है वो नहीं सपोर्ट किया उज़ैर बलोच ने और हिमायत का ऐलान नहीं किया था, यही वजह एक बनी है। क्योंकि अब वो कहते हैं हम तो उज़ैर बलोच को जानते नहीं है, आप तो किसी पार्टी में चले जाते हैं तो 10 लोग आपके साथ सेल्फीज भी बनाते हैं, 10 लोग आपके साथ पिक्चर्स भी लेते हैं, मतलब ये तो नहीं होता है उनके साथ आपके ताल्लुकात है। देखिए उज़ैर बलोच जो है उसके बारे में टप्पी वाली बात तो बिल्कुल सही मुंह बोला, भाई है जो है जरदारी साहब के तो उनके बारे में तो ये हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ एक और जो जिनका नाम लिया जुल्फकार मिर्जा साहब, जुल्फकार मिर्जा साहब जो है वो जरदारी साहब के जो है वो यारहार थे, एक जमाने में बहुत करीब रहे और वो इस इन साहब के भी बहुत करीब रहे हैं, ठीक है ना, उज़ैर बलोच के। अच्छा जुल्फकार मिर्जा साहब के साथ जो नाराजगी हुई उसकी वजह आपको एक शुगर मिल बताई जाती है, ठीक है, तो ये मामले जो है ना इस किस्म के नेचर के हैं। अच्छा उसके बाद जो टप्पी साहब है उनके बारे में क्या कहा जाता है? उनके बारे में भी यही कहा जाता है ना कि फाइनेंशियली जो है उनके ऊपर इल्जाम है। अच्छा अगर इन तमाम चीजों को अगर आप देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये क्लासिक केस है कि करप्शन का मामला पहले क्रिमिनल बना, अच्छा क्रिमिनल होने के बाद जो है इन दोनों को मिल मिला के एक तीसरा बन गया, इंटरनेशनल एस्पियनाज का बन गया और फिर फाइनली ये दहशतगर्दी तक के जुमरे में आ गया।
अब इन तमाम चीजों को अगर आप कनेक्ट करें तो आपको बहुत ज्यादा तैश भी आता है और आपको परेशानी भी होती है कि सारे का सारा क्या चल रहा है, हमारे मुल्क में ये कैसे चलता रहा है, रियासत के इदारे क्या इतने ज्यादा प्रेशर में थे कि वो इन तमाम चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, माजी के अंदर बहुत कुछ हो चुका है, अगर हो सकता है तो फिर ऐसे लोगों को जो है ना हटाना, पकड़ना, उनको इंटेरोगेट करना बहुत ज्यादा बड़ा मसला नहीं होना चाहिए था। अच्छा, जो अभी तक फेल आ रहा है, ये कहानी आ रही है वजार बलोच की, उसके अंदर उसकी जो कन्फेशन है 2013 से पहले के उसके जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटीज की कहानी तो मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये टेररिज्म की या फिर एस्पियोनाज की 2013 के ऑनवर्ड होती है और ये भी आपके लिए परेशान कुन बात है। एक और सवाल ये है कि एक बंदा जो इतना इंपॉर्टेंट था, आज हमें पता चल रहा है कि वो डुअल नेशनल, उसका ये पता चल रहा है कि उसकी खाला बलोचिस्तान में, सॉरी ईरान में रहती है, ईरान के सिस्तान वो बलोचिस्तान में, और उसका बेटा 1980 में मर गया था, और उसका जो बेटे का जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसके अंदर जो है ना सारी की सारी मैनिपुलेशन करा के 1987 में उसका जो है ना नाम इसका बनवा दिया गया था और इसको जो है ना वहां की नेशनलिटी मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्सेज वो कर रही थी इंटरनेशनली प्ले करने वाली, वो तो पहले से इन्वेस्ट कर रही है ना, हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी की जो बात है उसका तो आपने सिंपल सी बात सुन ली कि अगर आपकी आइडियोलॉजी, अगर आपकी पॉलिटिक्स, अगर आपका फ्रीडम ऑफ एक्शन सारे का सारा इकोनॉमी और वो भी डार्क मनी के ऊपर ही डिपेंड करना शुरू हो जाए, या वो डार्क मनी और डार्क मनी के जो ये कब्जा वगैरह, शुगर मिल, ब्लैकमेलिंग, भत्ता वगैरह, अगर ये सारी की सारी चीजें ऊपर चली जाती है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो फिर आपकी बाकी प्रायोरिटीज तो चली गई। तो लगता ऐसा ही रहा है क्योंकि हर जगह से जो बात सुनने को मिलती है, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह के शवाहिद सबूत नजर तो यह आता है। मुझे कॉलर का काज़र है, मजीद बात करेंगे इसी वाले से। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? टीवी की आवाज बंद कर रहा हूँ। इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। इमरान जरूर बात कीजिए लेकिन टीवी की आवाज जो है वो बंद कर दीजिए। जी मैडम। जी शुक्रिया मैडम। मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मैं पख्तून बरादरी से ताल्लुक है, मैं कराची का रिहायशी हूँ। ठीक है मैडम, मैंने ये देखा है कि कराची में बहुत से कौम है जो हमारे पख्तूनों में अफगानी घुसे हुए हैं और उर्दू स्पीकिंग में मैडम जो नेपाल के, भूटान के बहुत से कौम है जिसके NIC 2 नंबर बने हुए हैं, इसके बारे में तवज्जो दीजिए। हाँ ठीक है, बड़ी मेहरबानी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है। और कॉल इनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब की आपकी कॉल मिल चुकी है, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? तो भारत से नहीं, लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। बात कीजिए। मेरा एक ही सवाल है, माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा तजिया होता है। आपने सिर्फ हुकूमत के बारे में जो की अच्छा जी, मुझे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप बलोच की बात कर रहे हैं, पता नहीं एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी सुलेमान बात कर रहा हूँ, कन्नौल यार। जी सुलेमान जी। जी मैडम, मैं पूछना ये चाह रहा था कि सिंध के अंदर दो बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और NCO, और बदकिस्मती से दोनों का ताल्लुक उसी हिसाब से जा रहा है जो मुल्क दुश्मनी में मुलविस हो चुके हैं। तो इस हवाले से हम कैसे देखेंगे आगे चल के सिंध में कोई और वो कैसे इन्वॉल्व होगी जो जहां पर हुकूमत कर सके। सवाल करने के लिए कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल करके आप लोग भूल जाते हैं कि कॉल मिलाई हुई है। मैं सलाम करती रहती हूँ, फरोख इंतजार करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कब की कॉल मिल जाती है आप लोगों की, फिर आप फोन साइड पे रखे चले जाते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, आरिफ। जी आरिफ साहब बोलिए। बस मैं भी यही कह रहा हूँ जी, ये जितनी भी बातें आपकी होती है सुनते हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको बिल्कुल इनको सत्ताधार से सबके सारे आम लटकाना चाहिए, गैर बलोच हो ये हो। ठीक है ठीक है। कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैडम मैं कराची से बात कर रहा हूँ। नाम बता दीजिए। कमाल। कमाल नाम मेरा।
जी जमान साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ ये विरोध जिसे सरकार ने वो पार्टी के लगाव से दिन को क्या हो गया, जरा रुक रुक के बोलिएगा। लोग जिससे सरकार ने वो उनको पार्टी दिन चाहिए जी। अच्छा जी, शांति की बात करिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉल कॉलर भी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी बात कीजिए सर। ये बनाई वाले के लिए बात सुनिए जी। ये जो भी लोग पकड़े गए हैं ना, ये इस बार ये लोग आजाद हो गए तो हमारे पाकिस्तान की खैर नहीं है। नहीं नहीं, आजाद नहीं होंगे जी। देखिए जो गुनाहगार है उसको जरूर सजा मिलेगी, जो बेगुनाह है वो आजाद हो जाएगा। कॉल कॉल उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं बात कर रहा हूँ नई गांव से। बात कीजिए जी। मेरा फरुख साहब से अपना एक रिक्वेस्ट है, बल्कि एक सवाल तो नहीं, एक रिक्वेस्ट करूंगा। ये है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत तमाशा बना लिया और इस रिक्वेस्ट ने अपना प्राइम मिनिस्टर साहब से दिया है कि पहली जो कुछ हुआ माजी ने उसको छोड़िए, मुल्क के साथ सीरियस हो गया। और जाहिर विरोध जैसे बंदे जब सुनते हैं तो दिल टूटता है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। सुनो और हम क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है, कॉल कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? शेख काकर बात कर रहा हूँ। काफी साथ से सवाल है जिना, हुकुम कीजिए। सर ये उबेर बलोच साहब जो पकड़े गए हैं, तो आपसे सवाल ये है कि आज नून लीग की हुकूमत है, कल वापस शायद ये पहला को ही मालूम है कि गवर्नमेंट तपील हो जाए और जिम्मेदारी के हाथ में आ जाए। तो फिर आप ऐसा तो नहीं कि फिर आप तो इसी उबेर बलोच साहब के हाथ में फिर बोलेंगे? अच्छा, बड़ी मेहरबानी जनाब, मैं आपको जरा थोड़ा सा ये जो आखिरी पॉइंट है और कॉलर है, कॉलर है शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं, आप नहीं कर रहे शामिल? मेरा देखिए, मेरा तो कसूर ही नहीं, कोई नहीं। बहरहाल जनाब देखिए, अगर आपने बुरा ना मानिएगा, मुझे आपके इसमें ग्रामी इधर भूल गया, लेकिन बात यह है कि अगर आपने मेरी सास को, मैंने सियासत की है, मैंने 20 साल कॉलम लिखे हैं, इन तमाम चीजों में जरा आप उठा के पढ़ ले तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर चीजें मैंने बहुत कंसिस्टेंट की है। एक मेरा मामला है और वह है जमहूरियत। मैं जमहूरियत को बहुत सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं दहशतगर्दी को और करप्शन को इन प्रिंसिपल इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि दहशतगर्द तो मुझे और आपको हर किसी को एक बराबर मारते हैं, और दूसरी बात यह है कि करप्शन जो है ना आपको फायदा देती है ना मुझे देती है, किसी और को देती होगी। आपको आपके इर्द गिर्द अगर कोई कर भी लेता होगा, 500 रुपए की करप्शन करता होगा, लेकिन उसकी वजह से जो आपके एलीट हैं, रिच लोग हैं, उनको अरबों खरबों की जो है करप्शन करने का लाइसेंस मिल जाता है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखा है, लेकिन उसके साथ साथ जहां पे प्रोसीजर को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मेरी दरखास्त है। और बाकी यह है कि पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत आई, एक तो सवाल ये है कि आ जाए, और आ गई तो उसके बाद फिर जो है ना, आई एम श्योर कि मैं यहीं कहीं हूंगा, किसी न किसी मीडिया हाउस में ही हूंगा, यहाँ हूंगा कहीं और हूंगा, उस वक्त पूछ लीजिएगा मुझसे। देखो ठीक है, क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी की बात ही हो रही है, ज़ुबैर बलोच के तालुकात जो है पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो ओन नहीं करती, पीपल्स पार्टी कहती है कि ज़ुबैर बलोच के साथ हमारे कोई तालुकात नहीं रहे हैं, और ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ओन करते हैं, भाई भी कहते हैं, अपना बेटा भी कहते हैं। अब पीपल्स पार्टी तो ओन नहीं करती है, लेकिन हमने पिक्चर जिस तरह से बताया वो भी देखिए, 400 से ज्यादा अफराद को कत्ल करने का इतराफ कर चुका है ज़ुबैर बलोच। बिल्कुल सही, और इल्जाम भी है इतराफ। अच्छा, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी उसको ऑन नहीं करती है, ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब करते हैं ऑन जी। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की जो मिसेज है उनका नाम क्या है? कमीना मिर्ज़ा साहब। वो पीपल्स पार्टी में है या नहीं? बिल्कुल है। आज के दिन आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे नेशनल असेंबली की तस्वीरें चलती रही हैं, जिसमें खुर्शीद शाह साहब तकरीर कर रहे हैं, साथ कौन बैठा हुआ था? फहमीदा मिर्ज़ा बैठी हुई थी। कौन सी चेयर पे बैठी हुई थी? पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी की उस पर बैठी हुई थी। अब और क्या वापस में है या इकट्ठे हैं या नहीं, आपको पता है कि उदय चुका है? तो ये जो टेढ़ी खीर है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, आप जितना कर लेंगे बयानियां टेलीविजन के ऊपर आके खत्म फुस हो जाता है। उसकी वजह कि एक तो बैठे हुए हैं वो जो है ना सारी दुनिया से लड़ने वाले एंकर,
तो बहुत सारी गलत बातें करते होंगे, कुछ तो सही भी करते होंगे, लेकिन दूसरा जो आपके अटेंशन बार बार पड़ती है तो उसके अंदर ये होता है कि चीज एक्सपोज हो जाती है। फिर एक और बात उजैर बल्लोच की है कि एमकेएम ने खास तौर पर, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि 2013 से पहले इसको सिर्फ दहशतगर्द कहा जाता था, लेकिन उस वक्त एमकेएम इतनी पावरफुल थी, पीपुल्स पार्टी के सेंटर में गवर्नमेंट थी। लेकिन हमारे एक दोस्त ने, जिन्होंने कल परसों भी प्रोग्राम किए उजैर बल्लोच के ऊपर, उसने जाके इंटरव्यू कर लिया उजैर बल्लोच का। अच्छा, जब वो इंटरव्यू किया तो सबसे पहले पैमरा, मतलब जरदारी साहब, गिलानी साहब, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, सबके बारे में जो बातें करने की होती थी कर लेते थे लोग। टीटीपी का स्पोक्समैन टीवी पे जो है ना आके बोल जाता था, कोई नहीं बात करता था। उजैर बल्लोच के इंटरव्यू चल गए, इतना बड़ा जो है ना सस्पेंशन ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये देखिए कराची के अंदर अभी एक साहब ने एक और बात भी की कि कराची के अंदर जो है वो जो दो मेजर पार्टीज है वो करप्शन की तरफ, करप्शन नहीं वो टेररिज्म और एंटी नेशनलिस्ट जो है ना चीजों की तरफ गई है, तो फिर क्या फ्यूचर क्या होगा? सीधी सी बात है, हर पार्टी के अंदर ना हर बंदा फरिश्ता होता है, हर पार्टी के अंदर ना ही हर बंदा शैतान होता है। एमकेएम ने अपने आप को थोड़ा सा जो है वो रीनोवेट करने की कोशिश की और उन्होंने अपना एक नया जो है आइडेंटिटी आपके सामने रखी। अब उसके ऊपर काम हो रहा है कि वो खुद कर रहे हैं कि जो है ना वो किसी तरह स्टैब्लिश कर सके कि लंदन एमकेएम से अलग हो। जद्दारी साहब जब इंसेंट बजाने की बात करके मुल्क से चले गए थे, उस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि बिलावल साहब के पास आ गई, अगर बिलावल साहब के पास होती पावर्स तो शायद जो है उनके ऊपर इल्जाम लगाना भी आसान ना होता। बिल्कुल, लेकिन अब मामला ये है कि आप फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। मामला वही है, ब्रेकअप आ गया, मामला वही है, जिस तरह से भी आप भी लेके जरदारी साहब के ऊपर भी मामला जाता है, फरियाल राजपुर साहिबा के ऊपर भी मामला जाता है, क्योंकि अगर उजैर बल्लोच जो है जो इंकशाफात करता है और उसमें कहीं ना कहीं लिंक जो पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ता है, तो फिर अगर गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं या फिर बात की जाती है तो कहीं ये ना कहा जाए कि जिससे जमहूरियत खतरे में। इस हवाले से सारी बातें करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म यूथ ट्रेनिंग स्कीम फेज वन में 50,000 यंग ग्रेजुएट्स को 2500 से ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप दी गई है, जबकि फेज टू के तहत पूरे मुल्क से मजीद 50,000 पढ़े लिखे नौजवानों को इंटर्नशिप दी जाएंगी। अहल उम्मीदवार 15 अप्रैल 2017 तक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। दरख्वास्त देने के लिए विजिट कीजिए www.pmyts.nip.gov.pk। हुनरमंद नौजवान, खुशहाल पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है उजैर बल्लोच के इंकशाफात के हवाले से और मजीद वो इंकशाफात जो अभी सामने नजर आएंगे और जिसमें कहा जा रहा है और जो हम तब भी जानते हैं कि उजैर बल्लोच का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है, अगर इस तरह के इंकशाफात होते हैं फरुख जो कि ताल्लुक जोड़ते हैं पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, तो फिर क्या हो सकता है आपके साथ? देखिए मेरे ख्याल में, देखिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप महाराज ने तो खुद डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना आने वाले से, ठीक है, लेकिन मामला ये है कि मुझे तकलीफ इस बात पे होती है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है जो उन्होंने तक कहलाती थी मुसलमान बेनजीर भुट्टो साहबा की लीडरशिप 2007 तक तो कम अज कम आपने देखा, उनके साथ इतजाज साहब, हमारे जो चेयरमैन सैनेट हैं, बेशुमार और ऐसे जो है कदावर लोग होते थे, क्या उनमें से कभी किसी के ऊपर इस तरह के केसेस चले? क्या उनके बारे में जो स्पेकुलेशन भी होती थी वो किसी ने कभी प्रूव कर पाया? नहीं कर पाया, बिकॉज दे हैड द स्टैचर। पीपल्स पार्टी को जब से ये जरदारी साहब के इर्द-गिर्द के लोगों ने जो है आके संभाला है, उस वक्त से पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में तो आ गई लेकिन गुल गई। ये भी भाई साहब कह रहे थे कि वो हुकूमत में दोबारा आ जाए, मुझे समझ नहीं आती है कि जरदारी साहब को कैसे लगता है कि वो इंसेंट बजा सकेंगे, कैसे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि अगला वजीर आजम मैं बनाऊंगा। अच्छा, तीसरी बात जो है वो ये नहीं समझ आती है कि इन तमाम चीजों में उनको ये कैसे कॉन्फिडेंस है कि सिंध के अंदर भी उनकी हुकूमत वापस आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त जहां जहां पीपल्स पार्टी का हुकूमत रही है या इन्फ्लुएंस रहा है वहां बैड गवर्नेंस की एग्जाम्पल कायम हुई थी। देखिए मुझे ये मामला नहीं है कि किस बंदे पे कितना इल्जाम लगता है, मुझे ये पता है कि माजी में बड़े लीडरान के ऊपर इल्जाम लगते हैं लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो बंदा
फील्ड में होता है, जिसके हाथ से ट्रिगर चला है, जिसके हाथ से गोली चली है, बम धमाके हुए, और अगर उसके ऊपर छाप लग जाए या छाप लग जाए फॉरन एजेंसीज की, तो उसके बाद आपका जो सारे का सारा दरमियान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो दस करके बैठ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन एक और बात, आपको याद होगा कि डॉक्टर आसिम साहब को जो है ना अरेस्ट किया गया था, डॉक्टर आसिम साहब को उसके बाद छोड़ भी दिया गया है। उस दरमियान में उस वक्त जब वो आए थे, पकड़े गए थे, तो उस वक्त उन पर बड़ी कहानियां चली थी, तो उनका वीडियो बयान भी चला था, अब वो आजाद हो गए। तो ये जो कंसिस्टेंसी का मामला है ना, ये भी जरा देखना है। गो के मिलिट्री कोर्ट का मतलब तो ये है कि अब वो जो है ना लॉजिकल कंक्लूजन पे जा रहा है, इससे आगे पीछे नहीं होगी बात। लेकिन ये बात जरूर है कि लॉन्ग टर्म में रियासत को ये बताना जरूरी है कि व्हाट इज देयर लॉन्ग गेम। जब भी बात करनी है, लेकिन इंटेलिजेंस के लोगों अदालत का भी तो फिर वही रोल आ जाता है ना, फिर वही आप वाली बात आ रहा थी कि अदालतों का भी फिर रोल देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्या हो जाता है कि तमाम शवाहिद भी होते हैं जो पहले नजर आ रहे होते हैं, बाद में वो शवाहिद जो है वो शायद नलिफाय हो जाते हैं, क्या हो जाता है उसके बाद जमानत भी। उजैर बलोच को भी तो जमानत मिल गई थी, उसके बाद अब जो मिलती देखे उजैर बलोच को जमानत जो है ना सजा के और उसके भावता पर नहीं होती है। जमानत देनी चाहे वो अदालत दे सकती है। इसका मतलब ये है कि अगले बंदे का पासपोर्ट भी आपके पास होगा, उसकी मोबिलिटी भी आपके पास होगी, बाकी चीजें भी कोई जो है ना वो नहीं हो सकती है। यू कैन ऑलवेज गेट देम बैक, ठीक है। लेकिन मामला ये है कि इन तमाम चीजों के दरमियान आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में आपकी रियासत ने कैसे रिएक्ट करना है। एक बात तो मुझे अच्छी लगती है और मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ और बार बार करता हूँ। पहले हुआ था ज़र्ब आज़म, ज़र्ब आज़म था सिर्फ और सिर्फ फाटा के अंदर। उस वक्त नेशनल एक्शन प्लान भी आया, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर फॉरन इंटेलिजेंस का बहुत कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन हमें ये पता था कि हम 2004 से 5 से हम सुन रहे हैं कि इंडिया दीगर ममालिक जो है वो आपकी आपके मुल्क के अंदर नोज पोक करते हैं और वो दहशतगर्दी को भी किसी तरह से मैनिपुलेट करते हैं। अब मामला ये आया कि जब रद्दुल फसाद आया, लेकिन मैं इसको कहता हूँ एंटीवायरस, वायरसेस मौजूद है तो एंटीवायरसेस जो है वो आपके सिस्टम में आ गए और एक एक को करना शुरू करते थे। रद्दुल फसाद जब हुआ था तो कहा जा रहा था कि वो शायद उतना जबरदस्त ना हो, वो एक भाई साहब भी हैं जो हर वक्त मजाक उड़ाते रहते थे कॉलम्स में रियासत का भी बाकी चीजें, तो उन्होंने फिर यही कहना शुरू कर दिया। लेकिन इम्पैक्ट के लिहाज से इसका जो स्कोप है और इसका जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है वो ज्यादा होने जा रहा है, क्योंकि आपके मुल्क में अगर एक दफा फॉर्मिंग हो गई ना, और ये है कि फॉरन इंटेलिजेंस खासतौर पर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस वाले लोग ना हो और फिर उनका जो क्रिमिनल्स के साथ और टेररिस्ट के साथ नेक्सस बना हुआ है वो ना हो, तो फिर आपका मुल्क जो है वो अगले सही कई सालों तक आराम से जो है ना पुरसकून गुजरेगा। लेकिन दूसरा देखे ना, अब आपने काले लिए दरमियान में आपकी इंटरेक्शन रहती थी तो थोड़ा सा मुझे भी जवाब देने का आप है। दूसरा मामला ये है कि इन तमाम चीजों के साथ साथ आपको बयानिए की भी जरूरत है। अब बयानिया जो है वो उसको अंडर कट दो साइडों से किया जा रहा है। पहले ये हो रहा था कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई तो आपके दाएं बाजू की जमातें जो है वो रियासत से हैंडल नहीं हो सकी, इसलिए मजहबी एक बयानिया बन गया जो कि दहशतगर्दों को किसी तरह से उनके बारे में कंफ्यूज कर देता था। अब ये हुआ है पिछले 2-3 सालों में कि जो लिबरल साइड थी ना वो भी किसी न किसी तरह से किसी के साथ लॉयल होकर, शायद जरदारी साहब की इनकी इन बजाने वाली बात से या फिर जो है ना एएनपी की कोई बातें, उन्होंने भी क्लस्टरिंग शुरू कर दी और उन्होंने भी उस नैरेटिव को अंडरमाइन करना शुरू कर दिया। अब ये हो रहा है कि ऐसे वक्त में जब एन पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी एक साइड से आता है, इंडिया आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, इंटरनली भी ऑफेंसिव डिफेंस करना चाह रहा है, एन उसी वक्त आपकी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं डेढ़ इंच की मस्जिद भी बना के बैठ जाती हैं, उसके बाद वो कहती हैं कि बाकी हमारे साथ कोई नहीं आया तो भाई पाकिस्तान का आइडिया फ्लॉड है, और उसके बाद जो है वो अपनी आइडेंटिटी अपनी एथनिसिटी को खेलना शुरू कर देती है। ये उनको नुकसान देगा और किसी को नुकसान नहीं देगा। ठीक है, अभी फरोख आपने ये वाली बात की, अभी कॉलर ने बात की, क्योंकि इलेक्शन आते हैं, हुकूमतें बदलती भी हैं, लोग बदलते भी हैं। प्रीवियस अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और ज़ैर बलोच ने कहा है कि सरकारी सरपरस्ती में कलदम पीपल्स अमन कमेटी को नेटो का फतला देने का भी इतराफ किया। जुल्फिकार मिर्जा साहब भी कह चुके हैं कि जियालों को मैंने जो है वो असलाह दिया है और वो असलाह जो है वो शादी की तकरीबात में हवाई फायरिंग के लिए नहीं था। तमाम चीजें की, तो क्या जुल्फिकार मिर्जा साहब को भी अब इन तहकीकात में शामिल करना चाहिए? फिर जुल्फिकार मिर्जा आगे आगे बढ़ते हुए तमाम लोगों के इस तरह से असलाह दे देना, हम एमकेएम पे बात करें तो पीपल्स पार्टी ने किस तरह से असलाह दिया? क्योंकि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे थे और ईरान के बारे में कर रहे थे, अभी आपने एक और नाम दिया तो मुझे थोड़ी क्लैरिफाई
क्लैरिफिकेशन करनी पड़ जाएगी नेटवर्क के बारे में आपने कहा। इससे ये महसूस हुआ मुझे कम से कम सुनते हुए जैसे नेटो भी कोई इंटेलिजेंस करा रहा है, नेटो के कंटेनर जाते थे पाकिस्तान से जो है वो जाते थे डी लॉक्स कहते हैं उसके जरिए से अफगानिस्तान जाते हैं, उनमें से आपको याद हो कंटेनर गायब हो गए बिल्कुल। अच्छा उसके बाद जो है ना 90 के अंदर से भी असलाह पकड़ा गया था, उसके बाद एक और जगह से पकड़ा गया और अब जो है ये कहानी भी आपके सामने आई है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो आपको ये पता चलता है कि अगर करप्शन को बहुत अच्छे तक जो है ना पकड़ा जाए या करप्शन के अंदर जो है कोई लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड ना सेट किए जाए, स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी है, उसका आंकड़ा उसकी छाननी जो है ना वो जब तक ना लाई जाए, फिर उसके बाद जो है कुछ थ्रेट आ जाए और क्रिमिनल्स भी साथ मिल जाए तो एंड में जो तीसरी चीज आ जाती है वो दहशतगर्दी और फॉरेन इंटरेस्ट जो है वो प्ले करना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये नहीं है कि कितना वायलेंस हुआ या कितना क्राइम हुआ, मेरा ये है कि यार लोग बिक जाते होंगे लेकिन इतने सस्ते क्यों बिक जाते हो और अपने मुल्क के खिलाफ क्यों बिक जाते हो? अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो अपनी रियासत से तो मोहब्बत मेरे ख्याल है वो फरुख वही वाली बात होती है, वो कहते हैं ना कुछ लोगों का माई बाप कुछ लोगों की हर चीज सिर्फ पैसा होती है, उनके नजदीक उनकी सिंसियरिटी कमिटमेंट मुल्क के साथ नहीं होती है ना। उजैर बलोच और ये जो बाकी बहुत अमीर शमीर लोग होते हैं उनके कंपेरिजन करूँ तो गरीब आदमी है ना, बहुत अमीर आदमी तो नहीं होगा ठीक। अच्छा अब मैं क्योंकि खुद बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ लेकिन मुझे एक बात पता है, ना कोई मानस बाप ना कोई बाप जो है ना कोई नेशनलिटी कुछ और, मेरे आंखों पे तो अंधेरा छाना शुरू हो जाता है जब पाकिस्तानी रियासत के ऊपर जरा सा भी कोई हर्फ आता है या ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी रियासत को कोई नुकसान होने जा रहा है। ये किसकी गलती है? क्या सिर्फ और सिर्फ एक गरीब आदमी की गलती है या जिसने उसको मैनेज कर लिया हैंडल कर लिया उनकी गलती है या फिर रियासत को भी थोड़ा सा ओन अप करना पड़ेगा कि उसने अपनी आवाम के अंदर इतने जज्बात इतनी मोहब्बत नहीं भरी कि जो है ना वो आज के दिन जो है वो रियासत की तरफ इस तरह से देखे कि अगर कोई बंदा आपको अप्रोच करने आता है इंटेलिजेंस वाला तो आप उसको उठा करके रिपोर्ट करें। और चाहे आप देखिए ना बड़े सिंपल है, आप क्रिमिनल थे आपने बंदे मारे हुए थे लेकिन जिस वक्त आपके ऊपर इंटेलिजेंस अप्रोच करती है फॉरन इंटेलिजेंस उस वक्त अगर आप आके ये चीज रिपोर्ट कर देते तो आपके बहुत सारे गुनाह तो वैसे ही माफ हो जाते ठीक है, क्या ऐसे क्यों नहीं किया गया? अच्छा फिर कुलभूषण वाली जो बात है वो बहुत परेशान कर रहा है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे बातें हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बातें होती थी या आपके ट्राइबल एरियाज में कि जो टीटीपी है उसके साथ भी कोई ना कोई जो है ना ऐसी इंडियन इंटेलिजेंस लगी हुई है। अब इन तमाम चीजों को जब आप कलेक्ट करते जाते कुलभूषण तो एक पिवट का नाम है, उससे कितने धारे निकल रहे हैं और वो कितना गन निकले और कितने धारे जो बताए गए हैं अब तक उन पे क्या एक्शन हुआ है और कितना सही बिल्कुल ठीक है और धारे निकलने ही क्यों? आपका मुझे लगता है कि अगले टॉपिक का टाइम खत्म हो गया है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया तो अगला टॉपिक नहीं हो सकेगा। लेकिन एक बात है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, पीपल्स पार्टी के जब बहुत सारे फेलियर होना शुरू हो जाते हैं ना तो उसकी एक डिफॉल्ट सेटिंग है और वो डिफॉल्ट सेटिंग है सिम कार्ड को इस्तेमाल करना, उन्होंने आज करना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ उसके अंदर दो जुमले कर दूं, आप उसके बाद जरूर कंक्लूड कर दें। मुझे पता है एक बात तो उनकी जो है ना मुझे अफसोस ये हुआ है कि उन्होंने जो आज बात की उसके और तरीके भी थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटीज और बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन आपने सबसे वायलेंट स्टेटमेंट दी ठीक है। अच्छा दूसरी साइड पे ये है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के जमाने में अगर सिंध कार्ड इस्तेमाल नहीं होता था तो उसके साथ उनका कैरिज्मा होता था, अब आपके पास ना तो कैरिज्मा है ना ही आपके पास वो स्पेस बची है जिससे सारी चीजें वो कर सके। हो सकता है आपके बहुत सारी शिकायतें जायज भी हों लेकिन जिस हरकत जिस तरीके से की है, आज तक मैंने मुराद अली शाह साहब की कभी इस प्रोग्राम में गिला नहीं किया, मैंने बिलावल का कभी गिला नहीं किया लेकिन आज के दिन मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही थी कि जब एन आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आपकी फेडरेशन को खराब करने की कोशिश की जा रही है, एन उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने जमहूरियत दी उसके ऊपर वो ये बातें कल इसी हवाले से इस्लामान के लिए शिकवे करेंगे, विपक्ष पार्टी के हवाले से बात करेंगे और सारी चीजें देखेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल, तब तक अपने रखिएगा बहुत का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।